बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं, और जहां तक शत्रुघ्न सिन्हा का सवाल है, वैसे गद्दार आदमी को कोई भी किसी पार्टी में नहीं रखेगा। हाँ, एकदम हम बोलेंगे जो हमारा है। आप बिल्कुल, लेकिन मोदी जी से तो ज्यादा युवा आपके राहुल गांधी है, आपको उन पे विश्वास नहीं है, भरोसा तो, नहीं है? तो डूबती हुई नाव है, नेशनल पॉलिटिक्स में है। जो दुश्मन हमको मार करके चला जाता है, अब उसके यहाँ आगे कांग्रेस जैसे हाथ जोड़े जाती है, आप बिरयानी खिलाती है, उससे मोदी इज द हीरो ऑफ द कंट्री। मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि। और राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी अभी थोड़ा कच्चा है, और धीरे धीरे सोनिया गांधी और अहमद अनवर से सीख रहे हैं। कांग्रेस का क्यों नहीं? कांग्रेस का तो देख लिए इतना लंबा साल, लेकिन कोई विकास ढंग से नजर नहीं आया, तो दूसरे को भी मौका दिया जाए ना। राहुल को मौका बिल्कुल नहीं, अगले बार सोचा जाएगा। रहा शत्रुघ्न सिन्हा की बात, तो एक नॉन एक्टिव सांसद है, और इस बार पटना साहिब की जनता उन्हें खामोश करेगी, और उन्हें बहुत मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। वो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी बैठकर मलाई खाए हैं, जहाज रानी का मंत्रालय भी उन्होंने संभाला है, लेकिन हम लोगों के नजर में वो एक नॉन एक्टिव सांसद है। मतलब 2019 में सरकार किसकी? ये सब देखिए 2019 में सरकार किसकी? हाँ, ऐसी उपलब्धि जो मोदी सरकार को आपको अच्छी लगी हो? स्वच्छ भारत अभियान। बिल्कुल, स्वच्छ भारत अभियान के साथ स्वच्छ भारत अभियान भी चलना चाहिए। चलिए, यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पटना साहिब की शत्रुघ्न सिन्हा या रविशंकर प्रसाद? शत्रुघ्न सिन्हा को कभी फिलहाल खामोश किया जाएगा। विकास का जहाँ तक बात है, हम तो मोदी का सपोर्ट करेंगे। 2019 में किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार देखना चाह रहे हैं। मोदी जी की सरकार में युवाओं के लिए पहले बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे काम हुए हैं, और आगे भी ये काम जारी रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपना live.news। दोस्तों, आज हम पटना साहिब के मोनून हक स्टेडियम में खड़े हैं, और यहां कुछ बुद्धिजीवी युवा वर्ग हैं जो मॉर्निंग वॉक में आते हैं, और इनकी निकली हुई बात गांवों तक जाएगी, और यहां हम जानने की कोशिश करेंगे मोदी सरकार और कांग्रेस सरकार के बारे में, आखिर में 2019 की सरकार किसकी बननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 10 सालों से ऐसे नेता जो बीजेपी के उम्मीदवार रह चुके हैं, वहां से दो टर्म यहां की जनता जिताई है, शत्रुघ्न सिन्हा, और आज वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, और उनके सामने हैं रविशंकर प्रसाद जी। तो सबसे पहले हम यहां जानेंगे आपसे, यहां आप 2019 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं, और जहां तक शत्रुघ्न सिन्हा का सवाल है, वैसे गद्दार आदमी को कोई भी किसी पार्टी में नहीं रखेगा। हाँ, एकदम हम बोलेंगे जो हमारा है। आप बिल्कुल, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। यहां पर बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। हमको बड़ी खुशी है कि वैसे गद्दार नेता को बीजेपी निकाल बार की। तो गद्दार आप 10 साल तक मौका दिए, 10 साल में आप गद्दार आपको नहीं दिखाई दिए? गद्दारी पता नहीं चला था। और जहां तक कास्टों के वोट का सवाल है, कास्ट का 1% भी वोट उनको नहीं पड़ेगा, इसलिए हम बता रहे हैं कि हम खुद भी कास्ट हैं। जी जी, तो यानी आप रविशंकर प्रसाद को इस बार चुनाव जिता रहे हैं, मोदी सरकार बना रहे हैं? हाँ, रविशंकर के थ्रू मोदी जी को हम वोट दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी से तो ज्यादा युवा आपके राहुल गांधी है, आपको उन पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? डूबती हुई नाव है, अभी तो शुरुआत है। वो तो डूबा, वो पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम करते हैं। पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम करते हैं। मतलब आप 2019 में मोदी सरकार देखना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी कोई उपलब्धि जो मोदी सरकार की आपने देखी हो, जो कहना चाहते हैं दर्शकों को? इतना उपलब्धि है कि उसको गिना नहीं सकता है। वो बिना गिने हुए आप फील कीजिए कि इंटरनेशनल फोरम से लेके स्टेट तक क्या क्या नहीं किए। जितना उन्होंने वादा किया उतना तो किया नहीं। आपको याद होगा जब शुरुआती दौर में उन्होंने आए थे, तो सबको वादा कमिटमेंट किए थे कि हम आपके अकाउंट में पैसा देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, तमाम ऐसे वादे जो अभी तक पूरा नहीं हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात है कि जब से इंडिपेंडेंस हुआ तब से गरीब ज्यों के त्यों रह गए। जी, खान अब्दुल गफ्फार खान जब यहाँ पर आए थे 70s के टाइम में, तो यहाँ से रोते हुए चले गए अफगानिस्तान कि गरीबी जिस तरह से है उसी तरह से यहाँ पर है। कांग्रेस उस समय भी कुछ नहीं की, और गरीबों को कितना रिलीफ दे रहे हैं मोदी सरकार, उनका जितना प्रोग्राम है उसको आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि अभी गरीबी की काम हो रही है। चलिए, मोदी सरकार की सबसे अच्छी काम जो आपको अच्छा लगा हो कौन सी? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में है, जो दुश्मन हमको मार करके चला जाता है, अब उसके यहाँ आगे कांग्रेस जैसे हाथ जोड़े जाती है, अब बिरयानी खिलाती है, उससे मोदी इज द हीरो ऑफ द कंट्री।
मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि जी। यहाँ कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे जी, सरकार देखना चाहते हैं 2019 हम चाहते हैं जी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी सरकार फिर 5 साल की जाए। और राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी अभी थोड़ा कच्चा है और धीरे धीरे सोनिया गांधी और अहमद अनवर से सीख रहे हैं, अली अहमद से सीख रहे हैं, मतलब अभी उनको बहुत सीखने की जरूरत नहीं है। तो मोदी सरकार आपको लगता है कि सारी जितनी अपनी उस समय बनाई थी योजनाएं कि हम ये करेंगे हम जनता के लिए सरकार, आप 5 साल आप बिताए हैं उनके साथ, आपको लगता है कि वो सफल प्रधानमंत्री रिवाइव करेंगे, सफल प्रधानमंत्री रहेंगे? चलिए यहाँ के लोकल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं, 2 कैंडिडेट रविशंकर प्रसाद, शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा को जनता ने 10 साल सराहा है, अपने 10 साल उनको मौका दिया है, आज वही कांग्रेस से हैं और आज यहाँ उनके सामने रविशंकर प्रसाद बीजेपी से है, दोनों में कौन बनना चाहिए? देखिए अब शत्रुघ्न सिन्हा जी राष्ट्रीय स्तर पर कलाकार थे और उनको पाटलिपुत्र की जनता या पटना साहिब की जनता ने 2 बार जिता करके बहुत बड़ा उम्मीद रखा, उनसे उपेक्षा रख, लेकिन किसी भी उम्मीद पर खरा नहीं उतरे और उन्होंने भाजपा को गाली देना शुरू किया, भाजपा को इग्नोर करना शुरू किया, लोग भाजपा इतनी बड़ी पार्टी सहन करते रहे, मतलब भाजपा को गाली देना आपको बर्दाश्त नहीं, नहीं है, चाहे कुछ भी भाजपा करे? नहीं नहीं नहीं, गाली नहीं, आप लोग के साथ तो वादा खिलाफी बहुत सारा हुआ, आप लोग को बोला गया था कि आप जीतने के बाद से 15 लाख रुपया का इंतजार आज भी जनता कर रही है। देखिए वो तो उड़न गलत बात है, वो सब कोई बात नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर जो भाजपा का काम स्लोगन रहा, जो अच्छा कार्यक्रम रहा, सड़क का 4 लेन होना, 6 लेन होना, पूरे देश में टर्मिनल बना, बड़े बड़े जिस तरह से क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम किया, रिलेशन कायम हुआ, कई देशों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे देश से अच्छा बना, इसके लिए भी मोदी। चलिए यानी 2019 में मोदी सरकार, चलिए यहाँ आप किनकी सरकार 2019 में किसकी सरकार देख रहे हैं? सरकार कोई की भी हो जो अच्छे काम करे उन्हीं को हम लोग चाहते हैं। कौन अच्छे काम कर रहे हैं आज? हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो सरकार चल रही है ये सरकार जो भी इसकी सोच अच्छी है और अच्छा करना चाहती है, अच्छा मन है, तो ये हम लोग चाहते हैं कि जिसका मन अच्छा हो, जो तन मन से करना चाहे देश के लिए। मन अच्छा तो राहुल गांधी का भी, राहुल का अनुभव नहीं है, अनुभव की कमी है। वो अनुभव अभी उनको बनाना पड़ेगा, तब जाके उनको हम लोग हो सके आगे तो उनसे सहानुभूति आए, मतलब इस टर्म में मोदी सरकार। अभी जो अनुभव मोदी जी के पास जो अनुभव है शायद मेरे हिसाब से और किसी में नहीं है, कमी है आपके। हम लोग काम करने वाला आदमी हो वही बने, हम लोग को कोई ये नहीं इतराज नहीं है कि राहुल नहीं बने या मोदी नहीं बने या मोदी बने या वो नहीं बने, ऐसा कोई नहीं है। अभी के हिसाब से हम लोग को नजर में आ रहा है कि मोदी, आपको लगता है काम करने वाले मोदी जी हैं, राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी नहीं, हाँ इनमें अनुभव की कमी, अनुभव की कमी, आदमी अनुभव हो जाएगा तो। यहाँ 2 कैंडिडेट उनमें आप किनको अनुभव के बारे में उतना हम कुछ नहीं? शत्रुघ्न सिन्हा को आप जानते हैं, जिनको आप ही के पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 2 टर्म यहाँ के आप लोग ने नेतृत्व दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कोई काम नहीं किया, काम यहाँ किए 10 साल रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं किया यहाँ की जनता के लिए, यानी यहाँ की जो वोटिंग होगी काम के आधार पर, इसीलिए लोग चाहते हैं कि आदमी यहाँ का काम करे, विकास करे, इसी हिसाब से हम लोग को कोई शत्रुघ्न सिन्हा से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन चूंकि पब्लिक के लिए कुछ काम नहीं किए हैं इसलिए हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सामने आप है, आप बताइए 2019 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी का ही सरकार देखना चाहते हैं। बीजेपी का ही क्यों, कांग्रेस का क्यों नहीं? कांग्रेस का तो देख लिए इतना लंबा साल लेकिन कोई विकास ढंग से नजर नहीं आया, तो दूसरे को भी मौका दिया जाए ना। मतलब आपको नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा युवा आपके राहुल गांधी हैं? हम हैं, तो उनको तो मौका मिलना चाहिए। मौका तो मिलना चाहिए लेकिन मतलब किस आधार पे उनको मौका नहीं देना? विकास के मुद्दा पे एक्चुअली उनसे काम संभव नहीं है, 67 साल देख लिया, फिर हम लोग धोखा नहीं खाना चाहते, कुछ नया को दिया जाए। उन्होंने तो कहा कि अगर मेरी सरकार आती है तो 72,000 रुपया कहे 72-74 से यहाँ रोजगार किसी को मिल ही नहीं रहा, 74 देने से आखिर में उनको मौका देंगे? तब मौका बहुत दे दिया, आप उनको मौका नहीं देना चाह रहे। चलिए लोकल उम्मीदवार के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा या रविशंकर प्रसाद? नहीं, फिलहाल तो रविशंकर बाबू को ही दिया जाएगा। आपने 10 साल उनको मौका दिया? हाँ, इलेक्शन से पहले भी अगला बार हस्बैंड वाइफ दोनों घर तरफ आए थे, बहुत सारा वादा किए थे लेकिन एक भी वादा हुआ नहीं, वादा पूरा नहीं हुआ। चलिए हम दूसरे युवा साथी से लेते हैं, इधर आए थोड़ा सा, आप किनकी सरकार देखना चाहते हैं 2019 में? इस बार भी मोदी सरकार। इस बार भी मोदी सरकार, राहुल को मौका बिल्कुल नहीं? अगले बार सोचा जाएगा। चलिए कुछ युवा यहाँ और हैं, आप बताइए किसकी सरकार देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी। क्यों, क्या क्या ऐसा खासियत है भारतीय जनता पार्टी में? क्योंकि अभी हमारे पास मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, जिसके जो चाह रहे हैं कि देश को हम अच्छे तरह से विकास करें और आगे ले जाए, जो काम कांग्रेस
70 वर्षों में नहीं कर पाई है, वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और अभी आप लोग कहते हैं युवा, तो युवा मोदी से ज्यादा कोई नहीं है। 16 घंटे अभी 18 घंटे मोदी काम कर रहे हैं। और रहा शत्रुघ्न सिन्हा की बात, तो एक नॉन एक्टिव सांसद हैं, और इस बार पटना साहिब की जनता उन्हें खामोश करेगी, इस बार खामोश करेगी पटना साहिब की जनता शत्रुघ्न सिन्हा को। देखिए दो बात, नीरव मोदी उनके नाक के नीचे से निकल गया, विजय माल्या उनके नाक के नीचे से निकल गया, कुछ नहीं किए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पीछे जाइए आप, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे व्यक्ति को लोन देने का काम कहां से शुरू हुआ, और किस सरकार के रीजन में ये काम शुरू हुआ? आपको लगता है कि लोन देना गलत है? आपको लगता है लोन देना गलत है? लोन देना, देखिए कोई भी काम का स्टार्टअप के लिए, भारत वर्ष हमारा विकासशील देश है, स्टार्टअप के लिए लोन देना चाहिए, लेकिन लोन देने से पहले ये चीज की भी गारंटी होनी चाहिए कि हमारा पैसा नहीं फंसे और वो रिटर्न हो किसी भी सूरत में, क्योंकि ये देश का पैसा है और जनता का पैसा है। चलिए यहाँ की कैंडिडेट के अगर बारे में हम बात करें, शत्रुघ्न सिन्हा या रविशंकर प्रसाद? शत्रुघ्न सिन्हा नॉन एक्टिव सांसद हैं और उन्हें बहुत मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। वो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी बैठकर मलाई खाए हैं, जहाज रानी का मंत्रालय भी उन्होंने संभाला है, लेकिन हम लोगों के नजर में वो एक नॉन एक्टिव सांसद हैं। मतलब काम क्षेत्र में कुछ नहीं किए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे युवा साथी हैं, आप बताएं 2019 में सरकार किसकी? सर देखिए 2019 में सरकार किसकी होगी? जो विद्यार्थी के लिए काम करेगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, आपको लगता है कौन विद्यार्थी के लिए काम करेगा? राहुल गांधी काम करेंगे या नरेंद्र मोदी काम करेंगे? ये तो हम नहीं बोल सकते। हम अभी नहीं, एक आस्था होगा कि ऐसे जिसमें दिखाई दे रहा होगा। मेरा वोट जो है ना गोपनीय है, तो अगर जब हम वोट के बारे में तो पूछ ही नहीं रहे, हम पूछ रहे हैं कि 2019 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। वैसे तो देखा जाए तो बोल रहे हैं मोदी सरकार, लेकिन कुछ मोदी सरकार में भी कमी है, कुछ राहुल सरकार में भी। क्या कमियां है मोदी सरकार में? जैसे बेरोजगारी का मुद्दा अभी जो चरम पे है, उसके बाद राहुल गांधी जो है अपने पॉलिटिकल करियर ज्यादा, बेरोजगारी मुद्दा पे मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी मोदी से युवा हैं, उनको आना चाहिए क्या सरकार? लगता है आपको आस्था है कि वो आएंगे तो युवाओं के लिए, बेरोजगार के लिए कुछ काम करेंगे? देखिए अब आने के बाद अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, दोनों के नारेबाजी होती है, ऐसे ही जैसे प्रस्ताव पास किया जाता है, अब सरकार बनेगी किसका क्या होता है वो तो। चलिए मतलब कुल मिला के आप जो काम करेगा, आपका वोट गोपनीय है, जो काम करेगा उसको आप देंगे। चलिए आप कुछ कहना चाहेंगे, किसकी सरकार होनी चाहिए? इधर थोड़ा सा दे। 2019 में जनता की सरकार होनी चाहिए। जनता की सरकार मतलब किसकी होनी चाहिए? जनता की बात सुने, युवाओं की बात सुने। आपके हिसाब से कौन युवाओं का बात सुनने वाला है? 5 साल तक तो मोदी जी युवाओं का बात नहीं सुने, कुछ नहीं सुने, नहीं सुने, केवल वो सपना दिखाते रहे, वो सपना महल है एक्चुअली की तरह। मोदी सरकार ने केवल सपना दिखाने का काम किया, 100% युवाओं को मोदी सरकार केवल सपना दिखाया और अभी भी अपना काम चालू किए हुए हैं। मतलब युवाओं को केवल सपना दिखाए हैं मोदी सरकार। सपना दिखाने में आज तक के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री राहुल गांधी क्या किए? सपना नहीं दिखाया। आप इधर 70 साल का क्या? 70 साल तक क्या? 70 साल आप 70 साल का हिसाब देखिएगा, किसी से 70 साल का हिसाब देखिएगा, 70 साल में क्या हुआ कोई जानता नहीं। अपेक्षा तो करेंगे ना कि आप फलाने परिवार से हैं, पार्टी से, कोई पार्टी से नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार भी सपना दिखाने का काम किया है, युवाओं को ठगने का काम किया है, युवाओं को 100% ठगने का काम किया है, और सबसे ज्यादा अफवाह, राजनीति में भ्रष्टाचार मोदी जी ने काम करने का काम किया है। जी जी, ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार जो आपको लगता है कि बहुत व्याप्त है? व्याप्त है, राफेल खा के उड़ गए, राफेल घोटाला, और वहाँ देखिए व्यापक घोटाला, यहाँ भी हुआ है, कितना घोटाला, सृजन खा के बैठ गए, कहाँ इनके एजेंसी कहाँ है? बिल्कुल, जब ये मुख्यमंत्री थे तो क्या बोलते थे कि हवाई हमला हो रहा है, ई हमला हो रहा है, देश की आईबी सीबीआई कहाँ है, इनके जमाने में कहाँ है, कहाँ है? मतलब आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से जो युवाओं को रोजगार देगा, मोदी जी 5 साल में युवाओं को रोजगार का आंकड़ा छिपाए हुए हैं, 100% असफल है, असफल है मोदी सरकार, असफल है युवाओं के लिए, युवाओं के लिए। और सब कुछ काम हुआ है, जैसे स्वच्छ भारत, कोई ऐसी उपलब्धि जो मोदी सरकार को आपको अच्छी लगी हो? स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन स्वच्छ के साथ स्वच्छ भारत अभियान भी चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्वच्छ भारत अभियान के साथ स्वच्छ भारत अभियान भी चलना चाहिए। आप बताइए जी, किसकी सरकार? मोदी सरकार क्यों, राहुल सरकार क्यों नहीं? क्योंकि सभी मायने में आर्थिक हिसाब से, चाहे जो कुछ हिसाब से, आज हिंदुस्तान है तो कहीं पे भी किसी भी देश में हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है तो पीएम मोदी, किसी भी कंट्री में आप जा लो तो पीएम मोदी के हिसाब से हमारा हिंदुस्तान सर्वोच्च शक्ति में उभरा हुआ है। मतलब इंटरनेशनल जो में है उसमें आपका इज्जत बढ़ाए हैं मोदी से, तो आपको मोदी
युवाओं के हो, युवाओं में अभी बहुत सारी गवर्नमेंट में अभी वैकेंसी आई हुई है रेलवे के या और भी कुछ चीज में, बहुत सारी वैकेंसी मोदी सरकार ने दी है। इससे जो आंकड़े आएंगे अभी ये बेरोजगारी के मुद्दे पे, चलिए यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पटना साहिब की शत्रुघ्न सिन्हा या रविशंकर प्रसाद, शत्रुघ्न सिन्हा को तो अभी फिलहाल खामोश किया जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो तो मुंबई में भी रहते हैं, यहाँ पे यहाँ की जनता उनको देखती भी नहीं है, बस देखती है इलेक्शन में। आपको लगता है कि रविशंकर प्रसाद चुनाव जीतने के बाद यहाँ रहेंगे? वो भी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहेंगे लेकिन यहाँ पे वो पटना के यहाँ पे रहे हुए हैं, यहाँ से पढ़े लिखे हुए हैं और यहाँ के जनता से जुड़े हुए हैं फिलहाल, इसलिए यहाँ की जनता अभी रविशंकर प्रसाद। यानी कुल मिला के आप मोदी सरकार चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं 2019 में बताइए। सर देखिए, जो विकास के काम करेंगे, जो बेरोजगारों को, जो बेरोजगारों को रोजगार देंगे, जो व्यापारी को आगे और बढ़ने का मौका देंगे, हम उनकी सरकार चाहते हैं। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स की सरकार नहीं चाहते हैं, जैसे भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, ये सब की सरकार हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं किसी एक नई पार्टी को मौका मिले, किसी उभरती हुई पार्टी को मौका मिले जो हमारा साथ दे। मतलब मोदी सरकार आप चाह रहे हैं? सर घुमा फिरा गया, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप मोदी सरकार सीधे तौर पे पूछना चाह रहे हैं कि आप मोदी को सपोर्ट करें या राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं? आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? देखिए, विकास का जहां तक बात है, हम तो मोदी का सपोर्ट करेंगे। मोदी का सपोर्ट करेंगे। कौन सा ऐसा विकास जो सबसे अच्छा आपको लगा हो? सर देखिए, पहले क्या था कि अस्पताल में कोई देखना नहीं चाहते थे पेशेंट को डॉक्टर। आज के दिन में जितने पेशेंट जा रहे हैं, सब डॉक्टर लोग अस्पताल में देख रहे हैं। जितने गरीब तबके के लोग जा रहे हैं, सब खुशी हो गए अस्पताल से वापस आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि है रोड बनने की। पहले क्या था कि हर रोड में गड्ढा गुड्ढी बहुत था, आज के डेट में कहीं भी रोड में गड्ढा गुड्ढी नहीं है। आप मतलब विकास हुई है? विकास हुआ है। चलिए चलिए, आप बताएं 2019 में किसकी सरकार आप देखना चाह रहे हैं? मैं तो कांग्रेस की सरकार देखना चाह रहा हूं। कांग्रेस की सरकार देखना चाह रहे हैं? अच्छा, मोदी सरकार में ऐसी क्या कमियां हैं जो उन्होंने पूरा नहीं किया, जिनको आप मौका नहीं देना चाहते हैं? सबसे पहले तो केवल लॉलीपॉप सबको दिखाया। लॉलीपॉप दिखाया, केवल सबको लॉलीपॉप दिखाया जी। आप नोटबंदी ही देखिए, नोटबंदी में उनका नोटबंदी करना, उनका नोटबंदी उनका मुख्य जो था वो था सब पार्टियों को ध्वस्त करना, सब पार्टियों को ध्वस्त करना कि हम एक सिंगल पार्टी भारत में हैं, इसीलिए नोटबंदी होती है। और रात रात एकाएक ये कि जिसके पास जितना पैसा है सब ध्वस्त हो जाए और अपना पैसा अपना बचा लेना, अपना पैसा सब सब बचा, लाती रात वो अपना कैश पहले से कर रहे थे, तो ये मतलब राहुल गांधी में लगता है देश का भविष्य दिख रहा है? बिल्कुल, यंग है, जवान है। आज आप जो आप काम कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं जी। वो 70 साल का आदमी नहीं कर सकता है, वो 60 साल का, 65 साल का आदमी नहीं कर सकता है। 60 का तो लोग जो रिटायर हो जाते हैं। आप ज्यादा अच्छा से काम कर सकते हैं, इसलिए कि आप यंग है, जवान है, आप टेक्निकल है, आपकी बुद्धि ज्यादा, मतलब आपके हिसाब से राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, ज्यादा काम कर सकते हैं, यंग है। बिल्कुल काम करता है। और कांग्रेस इतने दिनों में बहुत काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं काम किया, काम तो सब उसी का किया हुआ है। ये तो उसको रंग रोगन कराए हैं। आज जितना पटना में फोर लेन देख रहे हैं, क्या है, सब पहले का पहले का फंड है। ऐसा कोई काम जो मोदी सरकार का आपको अच्छा लगा हो? सबसे बढ़िया ये जो इधर जो इनका सफाई, जो स्वच्छ भारत अभियान, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बाकी पहले भी गांधी जी भी चलाए थे, गांधी जी का भी था ये सपना था। थोड़ा सा चलिए यहाँ की अगर लोकल कैंडिडेट पटना साहिब की अगर हम बात करें तो आपको शत्रुघ्न सिन्हा या रविशंकर प्रसाद? शत्रुघ्न सिन्हा। आपको लगता है कि जनता को खुश रखें? 10 साल था, 2 टर्म आपने मौका दिया है। आप रविशंकर जी से कभी आप मिले या नहीं मिले हम नहीं जानते हैं। आप अभी भी हैं तो MP, लेकिन आप बात जब करेंगे तो लगेगा कुछ किसी तानाशाह से बात कर रहे हैं। तानाशाह से बात कर रहे हैं, यानी रविशंकर को मौका नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा को फिर एक बार उन पे विश्वास करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इधर चलिए, हमारे साथ एक युवा और जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि 2019 की सरकार आपके हिसाब से किनकी होनी चाहिए? आप बिहार की बात कर रहे हैं या सेंट्रल की बात कर रहे हैं? हम पहले बिहार की बात बाद में करेंगे, पहले सेंट्रल की बात बताइए। सेंट्रल में हम चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार आए, और उससे सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी की सरकार में युवाओं के लिए पहले भी बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे काम हुए हैं, और आगे भी ये काम जारी रहना चाहिए, क्योंकि युवा जो है वही देश का भविष्य है और वही देश को नए राह पे ले जा सकते हैं। तो इसलिए उनसे मेरी गुजारिश है कि इस चीज को वो अपने लक्ष्य में जारी रखें। यानी 2019 सरकार मोदी सरकार। बिल्कुल। चलिए यहाँ के लोकल कैंडिडेट के बारे में हम बात करते हैं, एक वैसे कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं जिनको आप भाजपा से ही 2 टर्म 10 साल आप लोग ने मौका दिया,
आज वो आपके सामने यानी कांग्रेस उम्मीदवार से उम्मीदवारी से खड़े हुए हैं और इधर रविशंकर प्रसाद भाजपा से, उनमें किनको आप देखना चाहते हैं? अगर हम बात करें शत्रुघ्न सिन्हा जी की तो वो पहले दो वक्त आ चुके हैं और इस बार वो राजद से कांग्रेस से उनको टिकट मिला है और वो उधर से हैं। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग सिर्फ चेहरे को देखते हैं और कौन उस पोस्ट के लिए, उस पोजीशन के लिए और पब्लिक के लिए, हमारी जनता के लिए जरूरी है, हम इस चीज को नहीं देखते हैं। हम सिर्फ चेहरे को देखते हैं और चेहरे के हिसाब से हम बात करते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो शत्रुघ्न सिन्हा जी अगर कल भाजपा में थे तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और आज भाजपा। एग्जैक्टली हम यही जानना चाह रहे थे, कल वो भाजपा में थे तो आपके पसंद थे, आज वो महागठबंधन से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इससे? हमारे लिए उनकी विचारधारा कल भी वही थी और आज भी वही रहेगी। हम उनको एज ए पर्सन देख रहे हैं, हम उनको भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नहीं देख रहे हैं। और वो अगर कल हमारे लिए अच्छे थे तो वो आज भी हमारे लिए अच्छे रहेंगे। अगर उनमें प्रवृत्ति है कि वो कुछ जनता के लिए सोचते हैं तो अगर दूसरी पार्टी में भी जाएंगे तो उनका कार्य वही रहेगा। लेकिन अगर मतलब आप मतलब शत्रुघ्न सिन्हा को मौका देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ देख रहे थे युवाओं का जोश, युवा किसको चाहते हैं 2019 में, किसका सरकार देखना चाहते हैं। सीधे पटना साहिब के क्षेत्र राजेंद्र नगर और मोहिनी लाल के स्टेडियम से यहाँ के जो जनता है, इंटेलेक्चुअल पर्सन यहाँ लोग आते हैं, मॉर्निंग वॉक पे वैसे लोग आते हैं, इनकी बातें गांव-गांव तक जाएगी। तो बने रहे अपने लाइव न्यूज के साथ, मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।